हेलो दोस्तों, आज की स्पीड में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जो सरकार की तरफ से हर किसानों को 6,000 रुपया करके दिया जा रहा है। और अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर अप्लाई किया है और नई लिस्ट का इंतज़ार कर रही है, तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको नई लिस्ट को चेक कैसे करना है। 2019 का जो नई लिस्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज़ एंड तक का देखते रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और उसके बाद में आपको सिंपली टाइप कर देना है pmkisan.gov.in, ठीक है, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। और फिर आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो आप डायरेक्ट ये पेज में आएंगे दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वीडियो के नीचे ये लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक। और इसमें आने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एलजी डायरेक्टरी, आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते थे और एक पेज आपके सामने आएगा, जैसे कि इस तरह का एक पेज आएगा आपके सामने। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, आप उसमें देख पा रही हैं, उसमें जैसे कि दो ऑप्शन आए हैं, जैसे कि रूरल और अर्बन, ठीक है। तो अगर आप गांव से चेक करना चाहते तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है, अगर आप शहर से रहते हैं, शहर में रहती है, तो आपको अर्बन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गांव का चेक करने वाला हूँ तो मैं रूरल में टिक मार्क लगा दिया, और इसके बाद मैं आपको साइट पर मिल जाता है गेट डाटा, गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, इसमें आपको करना क्या है, आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा स्टेट से हैं उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए, तो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको आएगा सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, तो अब अपने कौन से सब डिस्ट्रिक्ट से हैं अब सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, और फिर आपको इस तरह का आएगा, जैसे कि आपका जो बैलेज है उसमें दिखाई देगा, आप कौन सा बैलेज से हैं उसी बैलेज को अब इसमें से चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं मिल रहा है तो नीचे आपको पेज नंबर दिया हुआ है, आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अपना पेज ढूंढ लेना है, ठीक है। तो आप कौन सा बैलेज से हैं उसी बैलेज को आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको ये लिस्ट को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर क्लिक कर देना है, जैसे कि इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे कि दोस्तों ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, और ये डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और दोस्तों आप देख पा रही है, ये जो पेज है हमारी फ़ोन पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों आप चेक कर सकती हैं उसको, अब अपने नाम उसमें से ढूंढ लीजिएगा और चेक कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब रजिस्टर, और कौन सा विलेज में आपको कितना लिस्ट दिया गया है, कितना लोगों का नाम आया है, सभी डिटेल्स सब उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने मेरे माई टिप्स ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन में क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो घंटा है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि मैं जब भी कहीं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाएगी।